Uh, students. I am Muhammad Sood. Uh, this is class number nine uh, of Introduction to PHP Programming. Uh, Today's topic is uh, Input Handling, chapter number four. Uh, recap Super Global, yeah, globals or associative array variables. So, we input handling. Uh, इसके अंदर हम uh, कोशिश करेंगे कि एक प्रोग्राम uh, uh, बना के दिखाएं डेमोस्ट्रेट करें लास्ट टाइम भी हमने डेमोस्ट्रेट करके दिखाया था और इसके अंदर हम इनपुट uh, uh, जो टैक्स लास्ट टाइम जो इनपुट किया था वो टैक्स बॉक्सेस इनपुट किए थे आज जो है हम टैक्स बॉक्सेस के अलावा कुछ और जो एस्टिमेल के ऑब्जेक्ट्स हैं या एलिमेंट्स हैं uh, उनकी मदद से भी हम डेटा इनपुट करके देखते हैं और किस तरह से डेटा इनपुट किया जाता है और पी पी के अंदर जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनके थ्रू कैसे डेटा रिसीव किया जाता है क्लियर तो एक फॉर्म डिजाइन करते हैं करेंगे और इसके अंदर आ, इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अलावा कुछ और टाइप की भी डेटा को हम इनपुट करने की कोशिश करेंगे ओके तो उसको देखते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या करें आप अपने आ, जो आपका डीवे सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आ जाइए आप उसको ओपन कर लीजिए यहाँ पर आपने सिंपल एस्टिमेट फॉर्म को आपने उसकी फाइल ओपन करनी है आपने ठीक है और यहां पर आप एक फॉर्म क्रिएट करेंगे टाइटल uh, के अंदर मैं फिलहाल लिख देता हूं इनपुट फॉर्म ठीक है अब बाकी काम बॉडी में करेंगे आप बॉडी में आइए और ये चूंकि इसका ताल्लुक पीएचपी से नहीं है सिंपल प्योर एचटीएमएल से है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एचटीएमएल अब आ गई होगी इतनी इस हद तक कि आप आराम से इसमें फॉर्म वगैरह डिजाइन कर सकते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है एक फॉर्म का एलिमेंट लेना है आपने एलिमेंट कह लीजिए टैग कह लीजिए और यहाँ पर आप आ, एक एट्रीब्यूट लेंगे आप मेथड का और मेथड में आपने इस्तेमाल किया अपने पोस्ट और एक्शन के अंदर आप एक फाइल ले लेंगे उसका नाम मैं रख रहा हूँ डेटा <coughs> डिस्प्ले, ठीक है या डिस्प्ले डेटा के नाम से रख लीजिए आप डिस्प्ले डेटा डॉट पी ये जो फाइल होगी ये पी एच की फाइल होगी और इसका नाम रखा है मैंने डिस्प्ले डेटा और यहां पर अगर इसके साथ साथ में अगर कोई फाइल भी मैं अटैच करना चाहता हूँ या फाइल में सबमिट करना चाहता हूँ कोई पिक्चर फाइल है तो उसके साथ आप एक लोग टाइप का एक एट्रीब्यूट लोगे और इसके अंदर जो आप वैल्यू सेट करेंगे वो है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ओके ये उस वक्त आप यूज करते हो जब आपको कोई फाइल आपको अपलोड करनी पर, करनी पड़ जाए या आपको उसके उसके साथ अटैचमेंट की पड़े तो तो आप इस केस में आप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा को आप यूज करेंगे आप ठीक है ये आपने फॉर्म का जो टैग है उसको यहाँ क्लोज किया और यहाँ पर उसको आप कंप्लीट क्लोज कर लें अब बाकी जो सारा काम करना है वो आपने इस फॉर्म के बिटवीन द आपने कोडिंग करनी है इनपुट फॉर्म की तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए एक बेहतर तौर पर अगर आप चाहते हैं डिस्प्ले सामने नजर आए तो एक और मैं एलिमेंट यूज कर रहा हूँ वह है, है टेबल का एलिमेंट ठीक है टेबल और बॉर्डर दे दीजिए फिलहाल वन और यहाँ पर आपने कहा टी आर और टी आर के अंदर आपने कहा टी एच ओके तो टी एच को छोड़ दें टी डी कर लीजिए और यहाँ पर आप कह रहे हो एंटर नेम या यूजर फुल नेम ओके और यहाँ पर आपने टी डी क्लोज कर दिया उसके बाद आप एक और आ, टी डी लेंगे सामने तो उसको आप इसके आगे यूज कर लीजिए टी डी टेबल डेटा और यहां पे आप कह लीजिए इनपुट टाइप और इसमें ले लिया आपने टेक्स्ट और इसका नाम रख लिया आपने नेम इक्वल टू टी एक्स टी यूजर नेम ठीक है याद रखिएगा जो नेम आप एट्रीब्यूट लेते हो और इसके अंदर आप जो नाम रखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हीं वेरिएबल के जरिए आप डेटा क्या करोगे रिसीव करोगे या डेटा गेट करोगे ओके तो यहाँ आपने नाम दिया है टी एस टी यूजर नेम इस बात को जहन में रखिएगा ठीक है जनाब और उसके बाद टी डी को यहाँ पे क्लोज कर लीजिए ये आपका एक टेबल के अंदर एक रॉ है उसके अंदर आपने दो कॉलम बना लिए एक मैसेज के लिए और एक जो है कि उसमें टेक्स्ट बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए ठीक है अच्छा उसके बाद आप यहाँ पे टी को क्लोज कर लीजिए आप उसके बाद आप एक और टी आर लीजिए और इसके अंदर आप दीजिए टी डी दी। यहां लिख दीजिए आप एंटर पासवर्ड फॉर एग्जांपल और इसमें इनपुट टाइप आपको याद होगा कि अगर पासवर्ड इनपुट इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप पासवर्ड की टाइप को चूज करते हैं और इसका नाम आपने रख लिया टी एक्स टी पासवर्ड ओके जनाब और यहाँ पर आप फिर टी आर को क्लोज कर लीजिए अच्छा मैं इसका आपको जो जो उसका आउटपुट है वो भी साथ साथ देखते हैं ताकि आपको आउटपुट भी अंदाजा कि आउटपुट किस तरह से शो हो रहा है टेबल को यहाँ क्लोज कर लीजिए फिलहाल और इसको सेव कर लें आप सेव क्या करेंगे आप एस टी डॉक के अंदर एक फोल्डर बना लीजिए आप इनपुट हैंडलिंग के नाम से ठीक है ये आपका फोल्डर है इनपुट हैंडलिंग और इसके अंदर चाहे तो आप इसका नाम इंडेक्स रख लीजिए आप या चाहे तो आप इनपुट फॉर्म रख लें मर्जी आपकी मैं फिलहाल इसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स ओके और ये फाइल सेव हो गई इनपुट हैंडलिंग फोल्डर के अंदर आपने फाइल का नाम रखा है इंडेक्स ओके अच्छा अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं किसना करेंगे आप चूंकि हम ये सब काम पी के थ्रू करना चाहते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि पी पी के अंदर आपने सबसे पहले जैम के अंदर जाना है और जैम में जाकर आपने जो कंट्रोल पैनल है उसको आप उसकी उसको आप रन करेंगे और उसमें अपाची सर्वर की सर्विस को आपने स्टार्ट करना है जब ये अपाची सर्वर की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी इसको आप मिनिमाइज़ कर लीजिए बाकी सब मिनिमाइज़ कर लें और अब आप जाएंगे ब्राउजर के ऊपर और ब्राउजर के ऊपर आपने करना क्या है कि आप लिखेंगे लोकल होस्ट ठीक है लोकल होस्ट लिखा आपने उसके बाद आपने लिखा था इनपुट हैंडलिंग इनपुट हैंडलिंग ये आपका फोल्डर हो गया इस पर कीजिए वो इंडेक्स फाइल ऑटोमेटिकली उसको वो रीड कर लेगा और उसको रन कर देगा आपको इंडेक्स डॉट पी एच देने की जरूरत नहीं है तो देख लीजिए आप उसने जो है इंडेक्स की फाइल उसने आ, आ, उठा ली है और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर यूजर नेम उसके बाद टैक्स बॉक्स बना हुआ है उसके बाद पासवर्ड पूछा है और यहाँ पे आपको पासवर्ड आप इनपुट दे सकते हैं क्लियर तो ये सिंपल से एक आउटपुट था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक है इसी को हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं अभी प्रोग्राम को देखें अच्छा इसमें एक काम थोड़ा सा कर लीजिए आप यहाँ पर एक एच वन ले लीजिए आप और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनपुट फॉर्म ठीक है और अच्छा बॉर्डर को एक काम कीजिए फिलहाल बॉर्डर को अगर आप चाहते हैं डिस्प्ले ना करें तो उसको आप जीरो कर सकते हैं इससे यह फायदा होगा कि आपको बॉर्डर नजर नहीं आएगा ओके और टी आर की विथ जो है उसको भी अगर आप चाहें तो सेट कर लीजिए विद या हाइट अब जरा इसका रिजल्ट देखिए इसका आउटपुट क्या आता है ठीक है इनपुट फॉर्म बनावा गया और देखें बॉर्डर का बॉर्डर uh, के अंदर मैंने एट्रीब्यूट uh, जो वन वैल्यू दी थी उसको मैंने जीरो कर दिया है तो वो बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा और अब देखें आपके पास ये टैक्स बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो मैसेज लिखा हुआ आ रहा है क्लियर एक बेहतर के फॉर्म व्यू करने के लिए एक छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि टेबल के जरिए फॉर्म बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा वरना अगर आप सी एस एस की अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो उनको इस्तेमाल करते हुए भी अपना फॉर्म आप बहुत बेहतर और बहुत जो है उसके लुक जो है वो आप बेहतर बना सकते हैं उसको स्टाइलिश फॉर्म में में डिस्प्ले कर सकते हैं बहरहाल ये मैं बिल्कुल सिंपल वे में काम कर रहा हूँ और इसमें मैं कोई भी इस चीज़ से सप्लाई नहीं कर रहा सिंपल एचल फॉर्म और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हीं को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ठीक है तो ये पासवर्ड आपने इनपुट ले लिया उसके बाद अब आप चाहते क्या हैं कि मैं कंट्री जो है वो इनपुट लेना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल या सपोज़ करें कि उस यूज़र की एज में इनपुट लेना चाहता हूँ तो क्या करोगे आप मैं काम ये करता हूँ कि इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एंटर पासवर्ड की जगह पर एंटर एज में इनपुट ले, ले लेता हूँ ओके और यहाँ पर इनपुट टाइप के अंदर यहाँ पर याद रखिएगा अब पासवर्ड टाइप में याद रखिएगा बहुत सारी चीजें हैं जैसे टेक्स्ट है पासवर्ड है इसी तरह से अगर मुझे नंबर चाहिए कोई वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ठीक है यानी इनपुट इनपुट की जो टाइप है जो डेटा की जो नेचर है वो क्या है नंबर्स में जो मैं एज दूंगा वो नंबर्स में दूंगा तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया नंबर लिख दिया ठाक है और जिसका वेरिएबल नेम दिया वो टी एक्स एज कर लिया मैंने क्लियर इसको आप ध्यान में रखिएगा ओके और ठीक है जनाब इसको भी सेव कर लीजिए आप उसके बाद अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसी को कॉपी कर लें फिलहाल और कंट्रोल वी कीजिए अब यहां पर आप आ, एंटर एज, एज इनपुट नहीं कर रहे बल्कि आप एक और टाइप लेना चाहते हैं वो इस तरह से ले लीजिए आप इनपुट टाइप और टाइप के अंदर अब के आपने ऑप्शन यूज किया है रेडियो बटन ठीक है और इसके अंदर आप नेम ले रहे हो Uh, उसको कह लीजिए आप जस्ट लाइक जेंडर यानी कि आर डी ओ डेडीओ जी ई एन डी आर जेंडर यह वैल्यूबल का नाम हो गया जो भी डेटा आप चूज करोगे कर, उसकी वैल्यू किस में आएगी इसके अंदर आ जाएगी और जो वैल्यू है वह आप लिख सकते हैं यहाँ पर आप मेल <coughs> ओके okay? और इसको आप यहाँ पर क्लोज कर लीजिए इनपुट टाइप को और यहाँ लिख दीजिए आप सिंपल मेल ओके तो ये पहला जो है आपका यानी कि जब फर्स्ट टाइम आप इनपुट लेंगे उसमें मेल का एक दायरा बना हुआ आएगा वो आप यूज़र ने इनपुट करना होगा या चूज़ करना होगा कि वो मेल चूज़ कर रहा है या या फीमेल अच्छा तो इसके लिए दूसरी चीज़ के लिए आप क्या कहें जो सेकंड टी है जो सेकंड कॉलम है वहाँ पर क्या करें आप इनपुट टाइप यही रखें और यहाँ पर यहाँ पर भी आप आर ए डी आई और रेडियो लिख लीजिए आप और इसके बाद इसके अंदर भी आप क्या कर लीजिए आप जो नेम यूज़ करेंगे वो आर डी ओ जेंडर रख लीजिए और वैल्यू जो है वो आप दे दीजिए यहां पर फीमेल क्लियर और इसको यहाँ पर क्लोज कर दें अच्छा अगर आपको ये थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ आ रहा है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बेहतर तौर तो पर नजर आए तो याद रखें ये टी डी का जो फर्स्ट कॉलम है यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हो गया है ठीक है इसको यहां रखें आप और जो दूसरा टी डी है उसके नीचे ले आइए और इस टी को यहाँ पर इस कॉलम को यहाँ क्लोज कर लीजिए और उसके बाद टी आर यहाँ क्लोज कर लीजिए तो आपको जरा थोड़ा बेहतर नजर आएगा इसका व्यू प्रोग्रामिंग कोडिंग को देख के आपको आसानी हो जाएगी कि ये दो क्या हैं दो रेडियो बटन्स हैं और इनका जो नाम है दोनों का वो क्या है आर जेंडर ही है दोनों का नाम सेम रखा है सिर्फ वैल्यू में क्या है एक में मेल है और एक में फीमेल है इस बात को जह में रखिएगा ओके अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है सेव कीजिए और चला के देखें जरा इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए जी देख लीजिए यहाँ पर यहां पर उसने जो वैल्यू शो की है वो मेल और फीमेल यानी दो इनपुट यानी इनपुट लेने का ये भी तरीका है कि जो आप इनपुट ले रहे हैं वो रेडियो बटन के फॉर्म में ले रहा है यानी पे हैं चॉइस है यूजर के पास कि या तो वो मेल चूज करे या वो फीमेल चूज करे ओके तो इससे क्या होता है कि यानी कि जब भी कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम डिजाइन कर रहा होता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि यूजर से वही डेटा इनपुट लिया जाए जो उससे लेना हो क्लियर तो इसमें जो है अब यूजर सिर्फ दो ही चीजों को यहाँ पे डेटा की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ दो ही चीजें है ना मेल या फीमेल तो इसी को वो चूज करेगा इसके अलावा वो कुछ और लिख नहीं सकेगा क्लियर जबकि टेक्स्ट बॉक्स में ये होता है कि उसमें यूजर जो है वो कुछ भी लिख सकता है ठीक है इसमें क्या हो गया यूजर जो है वो बाउंड हो गया इन सिर्फ दो ऑप्शन के अलावा वो कोई और चीज डेटा इनपुट नहीं कर पाएगा क्लियर ठीक है तो ये चीज भी क्लियर हो गई आगे बढ़े जरा अः इनपुट के बाद एक और हम यूज कर लेते हैं उस तरह से कि इसी को आप कॉपी कर लें ठीक है अब यहाँ पे इनपुट टाइप नहीं है हमारे पास ठीक है अब हम किसी और तरीके से इनपुट लेना चाहते हैं तो इसमें फिर अभी काम करें कि यहां पर लिख दें सिंपल इस पहले वाले कॉलम के अंदर आप सिंपल लिख दें कंट्री यानी आपने कंट्री इनपुट करना है सी ओ यू एन टी आर वाई कंट्री लिख दीजिए आप सिंपल ठीक है तो कंटिन्यू लिखा हुआ आ जाएगा जबकि दूसरे केस के अंदर जो दूसरा यानी के कॉलम है वहां पर हमें क्या करना है इनपुट टाइप लेनी है लेकिन वो एक लिस्ट बॉक्स के फॉर्म में लेनी है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे वहां पर हम लिखेंगे वहां पर एक एट्रीब्यूट है वो है सेलेक्ट उसको देख लीजिए आप सेलेक्ट के नाम से ये एट्रीब्यूट होगा और इसके अंदर इसका जो नाम आप दोगे वो आप दे दीजिए आप फॉर एग्जांपल आपने नाम दे दिया कंट्री यानी कि लिस्ट बॉक्स है या ड्रॉप डाउन बॉक्स है डी बी ड्राप डाउन बॉक्स ठीक है और यहाँ कह दीजिए बल्कि उसका नाम आप दे दीजिए ड्रॉप डाउन मेन्यू कह सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू कंट्री के नाम से ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू कंट्री का नाम हमने दिया है ये ये उसका नेम है जिससे आप जो भी कंट्री चूज करेगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे इस वेरिएबल के थ्रू ये वो वेरिएबल है जिसमें यूजर की जो भी सिलेक्शन होगी कंट्री को देखते हुए कि किस कंट्री को चूज कर रहा है तो उसका जो नाम होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा ओके तो यह आपने ये ले ली उसके बाद जो और इसके अंदर अब आपने करना क्या है यहाँ पर इस सिलेक्शन के अंदर सलेक्शन के बाद अब आप देंगे ऑप्शन क्लियर और यहाँ दे दीजिए वैल्यू और वैल्यू में आपने लिख दिया पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है और मैं चाहता क्या हूँ जो यूज़र को डिस्प्ले हो वो भी पाकिस्तान डिस्प्ले हो ठीक है जनाब ये पहला ऑप्शन हो गया उसके बाद इसी को कॉपी कर लें और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी ले लीजिए आप उसके बाद ने लिया इंडिया और यहां पर आपने लिख दिया इंडिया ओके उसके बाद आपने एक और कंट्री लिया फिलहाल यूएसए और इधर भी शो कर दीजिए आप यूएसए या इधर शो कर दें आप अमेरिका या यूं लिख दीजिए यूनाइटेड स्टेट

एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई यार क्लिक करेंगे तो यहां पे देखें पाकिस्तान इंडिया और यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ आपको मिल रहा होगा क्लियर तो अब इस तरह से अब बहुत सारे अन्य ऑप्शन है जिससे आप डेटा जो है वो इनपुट ले सकते हो और एक और चीज भी ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई डेट इनपुट लेनी है उसके लिए भी आप एक काम कर सकते हैं कि एक और यहाँ पर आप इसको इस ऑप्शन को कॉपी कर लीजिए फिलहाल ठीक है ओके okay. और यहां पर आप इसको पेस करें तो यहां पर अगर आपने डेट इनपुट लेनी है यहां पर आप डेट लिख दीजिए आप सिंपल और, और यहां पर जो है आप Uh, जो इनपुट टाइप के अंदर आप देखें इनपुट टाइप याद रखिएगा वो डिसाइड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरह से आएगा तो यहाँ पे आपके पास देखें नंबर था कभी कभी टेक्स्ट था आपके आपने लिए कभी आपने रेडियो बटन लिया आपने अब मैं यहाँ पे इनपुट टाइप में ले रहा हूँ डेट uh, तो डेट नाम से भी क्या है आपके पास एक कैलेंडर है वो देख लीजिए उसका वो किस तरह डिस्प्ले होगा और इसका नाम दे दीजिए टी डेट ओके तो इस तरह से ये डेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के आपके सामने आ गया अब इसको भी हम रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह से आ होगा और सेफ और सेव कीजिए रन कीजिए इसको तो ये देख लीजिए ये डेट लिखा हुआ है और यहाँ पर आप यूजर जो है वो डेट इनपुट कर सकता है क्लियर अब इसके बाद देखिए टेबल से फायदा ये हो रहा है कि टेबल से आपके जो फॉर्म की जो लुक है वो थोड़ा बेहतर और एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको नजर आ रही है अब इसके बाद एक और चीज ले लीजिए फॉर एग्जांपल आपने बस आ, इसके बाद आप अपने सिंपल एक बॉक्स बनाना है आ, बटन बनाना है किसके लिए सबमिट के लिए तो क्या की, कीजिए आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए आप इस डेट को रिमूव कीजिए और इस वाले कॉलम के अंदर आप लिख दीजिए इनपुट बल्कि बटन ले लीजिए सिंपल बटन और टाइप के अंदर लिख दीजिए यहाँ पर रीसेट रि, ठीक है, ओके ठीक है और यहां लिख दीजिए बाहर रीसेट या क्लियर कर दीजिए आप ओके और दूसरे बटन के अंदर भी आप लिखिए इनपुट की जगह पे आप बटन लिख दीजिए आप बटन और टाइप के अंदर दे दीजिए आप सम संब, समेट और यहाँ लिख दीजिए आप सबमिट ठीक है और इसको क्लोज कर दीजिए फिलहाल इन बटन्स के नाम रखने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर तो आप ना दें अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और अगर नाम देने देना चाहें तो बेहतर है इस तरीके से दीजिएगा इसको भी याद रखिएगा आपके नेम इक्वल टू बी टी एन क्लियर इसका नाम रख दिया मैंने और दूसरे बटन का नाम रख दिया मैंने name equal to btn submit, okay? ओके तो इस तरह से दे दीजिए क्योंकि बाद हमें बाद ये आ, काम करना होता है कि अगर हमने आ, ये बटन प्रेस किया हुआ है तो ये काम करना है अगर हमने इस बटन को चूज किया हुआ है तो हमने ये काम करना है तो नाम से भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं आ, अभी फिलहाल यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी नाम देने की लेकिन आ, नाम दे बेहतर है कि इस ऑब्जेक्ट का नाम बेसिकली है क्या क्लियर अच्छा इसी तरह से देखें यहाँ पर अगर मैंने जो लिख रहा हूँ और वो टू लाइन के ऊपर वो कोडिंग लिखी हुई आ रही है और थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप फर्स्ट टी को यहाँ ले लीजिए और टी डी यहाँ पर क्लोज किया हुआ है तो यहीं पर क्लोज करने के बाद जो दूसरा टी है वो नीचे लिख लें आप ठीक है तो इससे आपको कोड को पढ़ने में ज़रा तो आसानी होगी कि किस तरह से कोड लिखा हुआ है क्लियर हो गई के बाद तो ये आपका यहाँ पर टेबल ख़त्म हो गया और ये आपने एक फॉर्म डिजाइन कर लिया इस तरह से आप और बहुत सारी चीजें भी आप डिजाइन कर सकते हैं अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बात को समझना जरूरी है वो ये है कि आपने फॉर्म तो डिजाइन कर लिया और ये फॉर्म सिंपल आपने डिजाइन किया एस टीमल की मदद से इसमें कोई पी एच पी का काम यहाँ पर अभी आप मौजूद नहीं है ओके इस फाइल को सेव कीजिए इसका आउटपुट देख लीजिए आप रिफ्रेश कीजिए तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्लियर और सबमिट लिखा हुआ है अगर नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं फर्स्ट में आपने कहा इमरान अहमद आपने नाम दिया पासवर्ड देना चाहते हैं आपने कहा ए बी सी डी और आपने एज दे दिया देखें एज के अंदर अगर आप अल्फ़ाबेट देंगे तो वनपुट लेगा क्योंकि यहाँ पर आपने इनपुट टाइप नंबर दे रखी है ठीक है तो यहाँ पर आप एज दे सकते हैं फर्स्ट आपने एज दी थर्टी फाइव और उसके बाद आपने चूज़ किया मेल या फीमेल तो आपने कहा भाई ये मेल है और इसके बाद आपने क्या किया कि आ, कंट्री चूज़ किया कंट्री के अंदर आप चूज कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट डेट आप कोई और चूज़ करना चाहें वो भी आप कोर्स यहाँ से कर सकते हो कैलेंडर के ऊपर और इसके बाद अगर मैं क्लियर करता हूँ तो इस तमाम चीज़ क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी ओके और अगर सबमिट करेंगे तो याद रखेगा जो पेज आपने वहाँ लिखा था सबमिट के वक्त कि एक पेज है जो कि आपने आ, इस इस डेटा को उस दूसरे पेज पे लेके जाना है और वहाँ पे डिस्प्ले करना है उसका नाम रखा था आपने डिस्प्ले डेटा क्लियर तो उसको भी देख लेते हैं फिलहाल यहाँ पे आपने नाम दिया आपने सपोज करें इमरान खान ठीक है पासवर्ड दे देते हैं आप ए बी सी डी एज आपके पास है थर्टी फोर थर्टी फाइव मेल ठीक है जनाब कंट्री आप पाकिस्तान ही रख रह रहे हैं ओके डेट आपने जो भी देना चाहते हैं वो डेट दे दीजिए फिलहाल आज के एबार से और उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करोगे तो नोट कीजिएगा यहाँ पर जब आप सबमिट करेंगे तो देखें ऊपर देखें उसने डिस्प्ले डेटा की फाइल को उसने कॉल किया जो कि वो फाइल अभी मौजूद नहीं है पी पी की इसलिए उसने कह दिया ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड अब हमें करना है क्या है डिस्प्ले डेटा डॉट पी की फाइल बनानी है और उस डेटा को जो यूजर इनपुट करेगा उसको रिसीव करना है और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाना है क्लियर तो अब यहाँ से शुरू होता है आपके पास पी का प्रोसेस और और वहाँ पर हम क्या करेंगे कि डेटा को रिसीव करेंगे और और जो सुपर ग्लोबल और याटो ग्लोबल्स एसोसिएटिव एरे वेरिएबल्स हैं उनको हम इस्तेमाल करके देखेंगे कि किस तरह से डेटा को रिसीव किया जाएगा पीएचपी एच के अंदर और फिर उस डेटा को आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके दिखाएंगे तो जनाब उसके लिए क्या करते हैं वापस आप जाइए ड्रीम रिवर के अंदर और यहाँ पर जो है आपने एक नई फाइल ओपन करनी है आपने नई फाइल क्रिएट कीजिए और इस फाइल का नाम इसको ये चूंकि पी एच पी की फाइल होगी पीएचपी की फाइल को चूज कीजिएगा और क्रिएट कर दीजिए आप क्लियर अच्छा अब यहाँ पर आपने पी का कोड आपने लिखना है सबसे पहला काम तो ये कीजिए इस फाइल को सेव कीजिए सेव किस तरह से करेंगे आप आप यहाँ पर सेव करोगे आप और सेव करते वक्त उसी यानी के फोल्डर में जो इनपुट हैंडलिंग का फोल्डर है वहाँ पर इसका नाम रख दीजिए आप डिस्प्ले डेटा डेटा डॉट पी ठीक है जनाब तो ये फाइल सेव हो गई अब यहाँ पे आपने सारा काम करना है तो चूंकि ये सिंपल यानी कि पी एच पी की फाइल है बाकी जो आपका एस्टिमेट के यहाँ जो कोड कोर्ड हैं टैग हैं इनको चाहे तो हटा दें या इसको रह दें उससे को फर्न नहीं पड़ेगा आपने यहाँ पे पी एच पी का सेक्शन जो है वो ओपन करना है क्लियर और यहाँ पे पी एच पी का सेक्शन क्लोज़ कर दीजिए अब तमाम कोडिंग जो पी एच पी की वो यहाँ पे करनी है पहली बात आपने डेटा रिसीव करना है कैसे रिसीव करेंगे जैसे कि जानते हैं जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनकी मदद से डेटा को आप रिसीव करेंगे वो किस तरह से करेंगे देख लीजिए आपने डॉलर आपने कहा एफ फुल नेम ये सिंबल पी का वेरिएबल है और इसके अंदर आपने यूज़ किया डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट चूँकि आपने वहाँ पर मेथड uh, के अंदर पोस्ट इस्तेमाल किया तो आप पोस्ट से ही डेटा को आप रिसीव करोगे इसके अलावा चाहें तो रिक्वेस्ट से भी करना चाहें तो कर सकते हैं कि वो रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट और गेट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अच्छा और वेरिएबल का नाम क्या था टी एक्स टी फुल नेम याद रखिएगा ठीक है ये वो वेरिएबल्स हैं इन बात का ख्याल करना है आपने ये वो वेरिएबल्स होंगे टी एस फुल नेम जो आपने फॉर्म डिजाइन करते वक्त उन एलिमेंट्स के जो नाम रखे थे उनको यहां इस्तेमाल करना होगा यहां देख लीजिए यहां पर आपने जब इंटर यूजर फुल नेम लिया था तो यहां पर आपने दिया हुआ टी एक्स यूजर नेम देख लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है टी एस यूजर नेम ओके तो उधर भी क्या यूज करेंगे आप टी एक्स टी यूजर नेम नॉट फुल नेम यूजर नेम जो वेरिएबल दिया हुआ है वही इस्तेमाल करेंगे आप क्लियर हो बाद इसके बाद आपने डॉलर उसके बाद था आपके पास पासवर्ड क्लियर और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यहां पे देंगे आप टी एक्स टी पासवर्ड उसके बाद है डॉलर और आपने क्या चीज इनपुट लेनी है यहाँ पर देखते जाइए साथ साथ फॉर्म के अंदर के पासवर्ड के बाद आपने एज इनपुट ली थी तो आप एज ले लीजिए आप ए जी एज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पासवर्ड और सॉरी पोस्ट और यहां पे देंगे आप टी एक्स टी एज ओके उसके बाद आपने जेंडर uh, लिया था तो डॉलर आप यहां पे लिख दीजिए जेंडर इक्वल टू डॉलर Uh, post पोस्ट और यहां पे लिखेंगे आप उस उस एलिमेंट का जो नाम आपने रखा था जेंडर आरडीओ जेंडर याद रखिए यही नाम रखा था आपने फिर भी आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर लें कि नाम क्या है यहां पर देख लीजिए आरडीओ जेंडर लिखा हुआ है आपने इस एलिमेंट का नाम ठीक है और दोनों का सेम है सिर्फ वैल्यू مختلف है किसी में एक में मेल है और एक में फीमेल है ओके तो यहाँ पे आपने लिखा आर डी ओ जेंडर बिल्कुल सही लिखा आपने उसके बाद डॉलर अब आप देंगे आ, एज के बाद आपने दिया था ड्रॉप डाउन लिस्ट दी थी आपने उसके लिए कंट्री के लिए तो सी ओ यू एन टी आर कंट्री आ, लिख दिया आपने इक्वल टू और आप यहाँ पे दे रहे हो डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट आ, सिंगल और सिंगल कोटेशन और यहाँ पे दे दिए ड्रॉप डाउन देखें उसका नाम क्या था पहले चेक कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे नाम था डी डी मेन्यू इसको चाहे तो इस यहाँ से नाम कॉपी कर सकते हैं इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जो है आप पेश कर लें ठीक है ड्रॉप डाउन मेन्यू कंट्री ओके तो इसको ये बहुत ज़रूरी है वेरिएबल का नाम सेम होनी चाहिए अगर सेम नहीं होंगे अ, मिस मैच होंगे तो फिर डेटा जो है वो सही तरह से रिसीव नहीं हो पाएगा ओके पास डेटा पास तो वहाँ से होगा फॉर्म से लेकिन डेटा रिसीव पी पी के थ्रू तो नहीं हो पाएगा अच्छा ये चीज भी हो गई इसके बाद आपने और क्या इनपुट लेना है आ, उसके बाद है आपके पास डेट है तो उसके लिए भी आप ले लीजिए एक वेरेबल ले लिया आपने डॉलर डेट के नाम से और इक्वल टू और यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यहाँ पे ले लीजिए आप टी एक्स टी डेट ओके जनाब और मेरे ख्याल से तमाम हमने वैल्यूज इनपुट ले ली हैं और इसके बाद हमने करना क्या है जो लास्ट वैल्यू थी वो यही थी उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करके देखना है तो किस तरह से डिस्प्ले करेंगे अच्छा सबमिट बटन जो है वो सिंबल बटन है एक्शन के लिए है उसको यहाँ पे रिसीव करने की फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे आप सपोज़ करें आप कहते हो प्रिंट ओके एच वन और क्लोज कर लीजिए फिलहाल यहाँ पर और इसके बाद फिर दोबारा से प्रिंट लिखिए आप और यहां पर आप लिख दीजिए फुल नेम ओके जनाब और यहां पर आप वेरिएबल का नाम दे दीजिए डॉलर फुल नेम ओके जनाब ठीक है उसके बाद फिर प्रिंट करवाइए आप और यहाँ लिख दीजिए अच्छा मैसेज इस तरह से लिखें ताकि वो ईज़ली यानी कि इंटरेक्टिव इंटेक्टिव हो या इजली यूजर इंटरफेस हो ताकि समझ में आए कि वो यूर फुल नेम इस ताकि आपका जो फुल नेम है वो ये है उसके बाद यूर पासवर्ड इज़ डॉलर पासवर्ड ओके जनाब और उसके बाद फिर प्रिंट लिखा आपने और योर एज इज डॉलर एज उसके बाद फिर प्रिंट लिखिए आप और अब के लिख दीजिए आप योर जेंडर इज यू आर डॉलर आर डी ओ सॉरी जेंडर सिंपल ठीक है और इसके बाद यहाँ पर प्रिंटेफ लिख दिया मैंने सिंपल प्रिंट होना चाहिए इधर भी प्रिंट लिखिए आप और इधर लिख दिए यू आर यूर डेट इज युडे डेट इज डॉलर डेट और आखिर के अंदर प्रिंट एफ सिंपल प्रिंट कर दीजिए और एच वन को क्लोज कर लीजिए तमाम के तमाम जो आपने मैसेज प्रिंट किया है के फॉर्म में प्रिंट किया है सेव कर लीजिए फाइल को ठीक है जनाब इसको सेव कीजिए और प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका प्रोग्राम का आउटपुट किस तरह से आता है तो उसको सेव करेंगे हम और ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पर हमने सबसे पहला देखें यहाँ पर डिस्प्ले डेटा जो पहले हमने सबमिट किया था तो Uh, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट फाउंड आया था इसकी वजह डेटा डिस्प्ले डेटा डॉट पी की फाइल मौजूद नहीं थी अब देखते हैं जरा बैक कीजिए और अब इस प्रोग्राम को जरा सबमिट कीजिए इसमें जो डेटा आपने फीड किया है सपोज करें ए बी सी डी आपने पासवर्ड दिया है नाम आपने जो फुल इमरान खान दिया है सब कुछ डेटा वही है जैसे आप सबमिट करते हो नोट कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि योर फुल नेम इस इमरान खान अच्छा सब कुछ एक ही लाइन पे लिखा हुआ है अगर हम ये इसको ख़त्म करना है तो आपने आपको याद होगा एस्टिमेट के अंदर बी का जो टैग है वो इसलिए होता है कि आप लाइन को ब्रेक कर सकें और एक और प्रॉब्लम आ रही है कि टेक्स की पासवर्ड की स्पेलिंग शायद गलत लिखी है आपने जिसकी वजह से लाइन नंबर फोर पे भी एरर दे रहा है तो उसको दोबारा से प्रोग्राम लिया उसको सही कर लीजिए आप Uh, सबसे पहले क्या करना है आपने सब में सबके uh, जो आपने मैसेज uh, प्रिंट किया योर फुल नेम इसके आखिर में आपका कर लीजिए बी आर टैग इस्तेमाल कर लीजिए ठीक है इससे क्या होगा कि हर uh, जो लाइन है वो इंडिविजुअल लाइन आपके स्क्रीन उस, उस पर डिस्प्ले होगी यानी हर वैल्यू जो है वो अलग अलग लाइन पर डिस्प्ले होगी ठीक है जनाब तो एक काम तो ये कर लीजिए और दूसरा काम ये है कि आपने जो वेरिएबल दिया था आपने टी एक्स टी पासवर्ड इसकी स्पेलिंग क्या है टी एक्स टी पासवर्ड डब्ल्यू ओ आर डी ठीक है देखें यह आपने नाम गलत दिया था जिसकी वजह से उसने डेटा वहाँ पर रिसीव नहीं किया अब सेव कीजिए अब प्रोग्राम को दोबारा चलाइए और बैक करें यहाँ से आप और दोबारा से इसको आप सबमिट कीजिए पासवर्ड दे दीजिए आप ए सी डी और सबमिट कीजिए देखें आउटपुट क्या आ रहा है योर फुल नेम इज़ इमरान खान योर पासवर्ड इज़ ए बी सी डी योर एज इज़ थर्टी फाइव जेंडर इज मेल टू डे डेट इज दिस क्लियर अच्छा डेट का फॉर्मेट जो है वो इस तरह से आता है बाई डिफॉल्ट पहले ईयर है फिर उसके बाद मंथ है फिर उसके बाद डे है क्लियर हम चाहें तो इस डेट uh, फॉर्मेट को चेंज कर सकते है ओके okay, जनाब अच्छा अभी फिलहाल uh, हमने करना क्या एक चीज थोड़ी सी रह गई है इसमें अः uh, इसमें हमने अगर, अगर वो यूजर जो है अपनी फाइल भी कोई पिक्चर फाइल यहाँ पर अगर देना चाहे तो कैसे वो आप उसको रिसीव करेंगे उसको भी देख लें साथ साथ तो आपने करना ये है कि कोड में जाइए सबसे पहले आप फॉर्म पे जाएंगे फॉर्म के अंदर आपने करना ये है कि चूँकि आपने बटन बना लिया था बटन से ऊपर आप क्या कीजिए एक और टी आर और टी डी एन एक रॉ ले लीजिए आप ठीक है और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए डेट की जगह पे लिख दीजिए अपलोड पिक्चर फॉर एग्जाम्पल ओके जनाब और यहाँ पर आप इनपुट टाइप के अंदर डेट की जगह पे आप ले लें फाइल ठीक है डेट ऊपर है या फाइल ले ली चूंकि आपने फाइल आपने अपलोड करनी है और इसका नाम बता दीजिए माई पिक पिक्चर ओके जो भी आप देना चाहें नाम दे सकते हैं या आपने दे दिया आपने यहाँ पर और बस इसको सेव कर लीजिए यहाँ पर और इसी तरह से जब आप वहां रिसीव करेंगे तो याद होगा मैंने आपको बताया था तो वो किस तरह रिसीव करेंगे आप यहां आप लिख दी डॉलर पिक्चर ने, पिक्चर इक्वल टू डॉलर की जगह पे यूज करेंगे जो आपका आ, सुपर ग्लोबल या ऑटो ग्लोबल वेरिएबल है वो क्या है फाइल्स ओके और यहां पर आपने नाम दिया था आपने माई पिक्चर ओके जनाब और इसके साथ आपने आ, उस फाइल का जो नाम है सिर्फ वो रिसीव करना है या उसका साइज़ रिसीव करना है या उसकी जिस तारीख को आपने फाइल वहाँ पर कॉपी की थी वो आपने रिसीव करनी है क्या क्या चीज़ आप आप उस फाइल की कॉपी करना चाहते हैं याद क्या एक फाइल का जो तो नाम होता है उसमें कई अनेक चीज़ें होती हैं नेम है उसका उसका उसकी उसकी उसका साइज़ है उसकी डेट है उसका टाइम है तो कि मुझे सिर्फ सिर्फ फाइल का नाम चाहिए तो यहाँ पे नेक्स्ट एक और हम जो है एक वैल्यू देंगे वो है किस नाम से नेम के कि आप नेम चाहते हैं फाइल का तो यहाँ पर सिर्फ फाइल का नेम उठ के आएगा पिक्चर के अंदर तो मैं यहां प्रिंट कर दीजिए यहां पर आप पिक्चर नेम इस जो भी पिक्चर का नाम होगा यहाँ डिस्प्ले हो जाए फॉर एग्जांपल डॉलर पिक पिक्चर ने और बी आर ठीक है जनाब तो अब इसको हम देखते हैं प्रोग्राम को एक दफा और सेव कीजिए और चला के देखें कि अब प्रोग्राम का अच्छा एक दफा कंफर्म कर लें कि के पिक्चर के जो आपने वहाँ पे पिक्चर अपलोड किया उसका जो नाम दिया है वो क्या दिया है बैरूगा का नाम वो दिया आपने माय पिक्चर पी आई सी टी यू आर ई -E. तो इधर भी क्या लिखा आपने माई पिक्चर बिल्कुल सही लिखा हुआ है स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसका आप फाइल का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने नेम दे दिया आपने ओके okay, जनाब इसको आप सेव कर लीजिए फाइल को और अब दोबारा से प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करके अच्छा एक और थोड़ा सा काम कर लीजिए यहाँ पर आप आ, इस तरह से कर लीजिए कि यहाँ लिख दें डिस्प्ले यूज़र इंफॉर्मेशन ठीक है जनाब ताकि और इसके बाद बी का ऑप्शन भी यहाँ पर दे दें सेव कीजिए बी आर का ऑप्शन एक दफ़ा और दे दें ताकि दो लाइन का गैप आ जाए सेव कीजिए और चला के देखें अपने आपको दोबारा से तो ये इनपुट फॉर्म है आप आपके नाम चेंज कर लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कहा कामरान अहमद पासवर्ड दे दिया आपने ए बी सी डी वन टू थ्री एज आपने दे दिया आपने सपोज करें ट्वेंटी सेवन और आ, मेल है ये कंट्री जो है वो पाकिस्तान है डेट जो चूज़ करेंगे वो आपने सपोज करें आज की तारीख फिफ्टीन है और उसके बाद उसको आप सबमिट करते हो तो देखें क्या आउटपुट आता है देख लीजिए डिस्प्ले यूज़र नेम लिखा हुआ आ रहा है योर फुल नेम योर फुल नेम इज़ कामरान अहमद पासवर्ड भी आ रहा है एज भी आप डिस्प्ले कर दी योर जेंडर इस भी डिस्प्ले कर दिया डेट टू डे डेट इस भी डिस्प्ले कर दिए लेकिन पिक्चर नेम उसने सही रिसीव नहीं किया है लाइन नंबर लाइन नंबर नाइन पर देखेंगे उसने कोई एरर दिया है अनडिफाइंड इंडेक्स माई पिक्चर इसको ज़्यादा देख लें लाइन नंबर नाइन के ऊपर लाइन नंबर नाइन के ऊपर माई पिक्चर नेम लिखा तो सही है वहां देख लीजिएगा गरीबा का नाम क्या है नेम माई पी आई सी टी यू आर ई पिक्चर सही लिखा है आपने यहां कोई इशू नहीं है इनपुट टाइप दिस एंड नेम दिस बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो इसने एरर क्यों दिया है जी आ, आपने सिर्फ करना ये है कि आ, सब कुछ सही लिखा हुआ है माय पिक्चर नेम माय पिक्चर जो वेरेबल है बिल्कुल सही लिखा हुआ आपने सिर्फ एक काम ये कीजिए डिस्प्ले करते हुए फॉर्म को दोबारा से रिफ्रेश कर लीजिए क्योंकि तो आपने अभी इसमें क्या किया है कि अपलोड चूस फाइल जो आपने एक एलिमेंट है वो आपने ऐड किया है तो इसको सिव आप आप क्या कर लें रिफ़्रेश कर लें अब यहाँ पे नेम दीजिए फॉर एग्जांपल कामरान अहमद पासवर्ड दे दीजिए ए बी सी वन टू थ्री मेल है ये ठीक है कंट्री नेम आपने चूज़ किया सपोज़ करें यूनाइटेड स्टेट डेट आपने दी है सपोज़ करें आज की आपने फिफ्टीन और अपलोड आप कोई पिक्चर करना चाहते हैं उसका नाम दे दीजिए आप सपोज़ करें आपने यहाँ पर जो पिक्चर है वो असलान की पिक्चर आप इसको अपलोड करना चाहते हैं इसको ओपन कीजिए और इसके बाद देखें यहाँ नाम लिखा हुआ गया असलान वन डॉट जे पी जी इस फाइल को आप आपने क्या करना है उसको लोड करना है उसके बाद आप सबमिट कीजिए तो देखें इसका आउटपुट क्या आ रहा है देखें अब कोई आर्डर नहीं आ रहा डिस्प्ले यूजर इन्फॉर्मेशन योर फुल नेम इज़ कामरान अहमद योर पासवर्ड इज पासवर्ड इज ए बी सी वन टू थ्री यूर एज इज एज उसकी डिस्प्ले नहीं हो रही देखें योर जेंडर इज मेल टूडे डेट इज़ दिस एंड पिक्चर नेम क्या लिखा हुआ है असलान वन डॉट जे पी जे अच्छा एज इसने डिस्प्ले क्यों नहीं किए uh, क्या हमने एज इनपुट की थी तो याद रखी रख लीजिए हमने एज जो है इनपुट नहीं की थी तो बस यहाँ पे एक डेटा फीड कीजिए ए बी सी डी या ए बी सी वन टू थ्री ये पासवर्ड हो गया और एज आपने दी है सपोज करें ट्वेंटी फाइव ओके बाकी सब कुछ वैसा ही है मेल uh, है यूनाइटेड स्टेट है डेट uh, आपने दे रखी है आपने वन फिफ्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन चूज फाइल दे रखी है वन डॉट जे पी जे अब सबमिट कीजिए आप तो देखें आपकी एज भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है तो जिस तरह से आपने डेटा इनपुट किया वैसे ही आपका जो आउटपुट है डिस्प्ले जो उसने इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करके आपको स्क्रीन पर दिखा दिए अब हम चाहे तो ये इन्फॉर्मेशन जो यहां पर हमने रिसीव की है ये हम जो है इंफॉर्मेशन डेटा के अंदर भी सेव करवा सकते हैं और इसको हम बाद में फिर वहाँ से डेटा बेस में से डिस्प्ले भी करवा सकते हैं फिलहाल मकसद हमारा ये था कि डेटा कैसे इनपुट किया जाएगा यानी इनपुट हैंडलिंग कैसे होगी और उसके बाद उस डेटा को आप पी एच पी यानी पीछे जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है उसके ज़रिए कैसे डेटा को रिसीव करेंगे और किसी दूसरे पेज के ऊपर किस तरह डिस्प्ले करके दिखाएंगे आप क्लियर ना सिर्फ डिस्प्ले करके दिखाया जा सकता है बल्कि इसको कहीं ना कहीं सेव भी किया जा सकता है ओके जनाब तो ये था एक कॉन्सेप्ट कि किस तरह से आपने डेटा की हैंडलिंग करनी है इनपुट हैंडलिंग कर आप करेंगे और जो डेटा है वो डिफरेंट तरह का हो सकता है नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है वो डेटा जो है वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है वो डेटा जो है पिक्चर के फॉर्म में भी हो सकता है वो डेटा जो है डेट है जेंडर जस्ट लाइक लिस्ट बॉक्स की फॉर्म में हो सकता है या ड्रॉप डाउन लिस्ट की फॉर्म uh, में हो सकता है या फिर रेडियो बटन्स की फॉर्म में हो सकता है या इसके अलावा चेक बॉक्स है उसकी फॉर्म में भी हो सकता है याद रखिएगा ये जो मैंने ऑप्शन अभी करवाए तो uh, अभी इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ उन ऑप्शन को आप खुद से भी थोड़ा सा स्टडी uh, करें रीड करें कि uh, किस 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 तरीके से डेटा इनपुट मजीद किया जा सकता है तो जो नॉर्मल यानी कॉमन यानी कि वे है डेटा uh, इनपुट करने का वो टैक्स फॉर्म में है नंबर्स की फॉर्म में है पासवर्ड की फॉर्म में है रेडियोज़ की फॉर्म में है ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में रेडियो बटन के फॉर्म में है या डेट की फॉर्म में है या कोई फाइल आप अपलोड करते हैं या बटन्स की फॉर्म में तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपके पास थी जो कि मैंने आपको अभी करके दिखा डेमोस्ट्रेट करके दिखा, दिखा दी इसके अलावा और भी डेटा की डिफरेंट और इनपुट टाइप्स हैं उनको आप मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद से उनको देखिएगा जस्ट लाइक एक टाइम है जस्ट लाइक like, uh, uh, उसके अलावा लिस्ट बॉक्स है उसके अलावा आप जो है चेक बॉक्स है ठीक है इन फॉर्म में भी डेटा आप इनपुट कर सकते हो और इसके अलावा ई मेल फॉम है ठीक है ना तो ये चीज़ें आप मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद से भी ट्राई करके देखेंगे क्लियर तो जनाब ये हमारा आज का लेक्चर था इसके अंदर हमने डेटा को इनपुट करके देखा और हमने उसको जो है दूसरे पेज के ऊपर डिस्प्ले करके भी देखा कि किस तरह से आप एस्टिवल uh, फॉर्म पे डेटा जो है इनपुट करोगे और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यानी पीएचपी के जरिए किस तरह से आप दूसरे पेज के ऊपर डेटा रिसीव करके आप उसको uh, उसको आप मेन्यूपलेट करके स्क्रीन पर दिखाओगे या डिस्प्ले करके देखोगे क्लियर जी अच्छा यहाँ पर अगर चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि इस पिक्चर को भी डिस्प्ले किया जा सकता है और सेकेंड पेज के ऊपर तो मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ आपने करना क्या है करना ये है कि जो फाइल का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है यहाँ पर नाम आपके आपके पास आ गया है मैं चाहता हूँ कि ये नाम तो आ गया है लेकिन नीचे कहीं पर भी आप इस फाइल को बाकायदा यानी कि विजुलाइज करके उसको दिखाएं यानी उसकी पिक्चर भी यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए यह मैं आपको थोड़ा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ टास्क दे रहा हूँ आप कैसे करोगे ये आपको आना चाहिए हाँ इतने आपको मैं हैंड देता हूँ कि आपने अगर एस टीमेट के अंदर आई का टैग पड़ा हुआ है तो आई का टैग इस्तेमाल करते हुए उसके एट्रीब्यूट में उसके सोर्स के अंदर आपने करना क्या है इस फाइल का नाम आपने दे देना है जब आप इस फाइल का नाम दे देंगे तो वो फाइल क्या हो जाएगी वहां पर अपलोड वहाँ पर जो है सॉरी अपलोड कर रहा हूँ वहां पर जो डिस्प्ले हो जाएगी अच्छा अपलोड का एक और कॉन्सेप्ट जहां उसको अपलोड कर रहे हैं वो फाइल वहां से उठ उस फोल्डर में चली जाए जहाँ पर यह प्रॉपर प्रोग्राम आपका बना हुआ है तो ये काम भी आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से फाइल जो है बाकायदा एक यूजर एक क्लाइंट साइड से पिक्चर अपनी लेकर सेंड करेगा और सर्वर के ऊपर वो फाइल क्या हो जाएगी अपलोड हो जाएगी और फिर कभी क्लाइंट साइट के ऊपर उसी फाइल को जो उसने अपलोड की होगी वो फाइल वहां पर वो डाउनलोड करके या उसको वहां पे फाइल जो है वो डिस्प्ले होती हुई नजर आएगी क्लियर तो जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर फेसबुक के ऊपर जब आप अपना अकाउंट आईडी बनाते हैं तो वहाँ पे अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पिक्चर भी आप जो है वो अपलोड कर देते हो तो फिर क्या होता है कि हमेशा जब भी जो है आप फेसबुक पे लॉग इन करते हैं तो आप ही की पिक्चर आपको आपके स्टेटस के ऊपर नजर आ रही होती है तो ये काम भी किया जा सकता है और इसको इन मैं नेक्स्ट टाइम करके बताऊँगा कि किस तरह से बाकायदा फिजिकली फाइल क्लाइंट से सर्वर के ऊपर क्या होगी अपलोड होगी ठीक है जनाब तो उस वक्त तक के लिए इन शेल अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे तो अल्लाह हाफिज